जो नहीं जानता एक मिनट अब जान ले। ए भाई तो फिर आप सिम ले लेना, और एक आता है सिर्फ कश्मीर में चलेगा, जम्मू और कश्मीर में दोनों, और एक है कि बाहर भी चलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो यार एक और नया दिन और एक और नया ब्लॉग, तो थोड़ा नहीं थोड़ा सा उसमें चेंज करते हुए एक और नई रात और एक और नया ब्लॉग। तो भाई आज हम ट्रेवल करने वाले हैं 19225 जो कि चलती है जोधपुर से और जाती है जम्मू तवी, और भाई हम जा रहे हैं कटरा, और ये ब्लॉग पूरा रहेगा कटरा सीरीज का, यानी श्री माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, और बाकी हम चार लोग हैं, मैं युगल ये दोनों, और ये भी जा रहा था लेकिन ये बाहर खड़ा है क्योंकि ये नहीं जा रहा है, धोखेबाज आदमी है ये। क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया, और बाकी भाई चलते हैं, अभी कॉन्वोकेशन वगैरह करके आए थे और पिछले ब्लॉग नहीं दिखाया था, वो भाई जरूर देख लेना, और रात में दिखाने के लिए भाई और तो कुछ है नहीं, तो सोते हैं और बाकी सुबह कंटिन्यू करते हैं। सुबह अगर जल्दी उठ गया और अगर ट्रेन मिल गई तो फिर हम शॉर्ट्स बढ़िया बढ़िया लेंगे भाई, अगर जम्मू से कटरा तक ही ट्रेन मिल गई तो, वरना तो बस से जाएंगे, देखते हैं। ये आ गया, ये रहा युगल, जो नहीं जानता एक मिनट अब जान ले। ये भाई दिख रहा है भाई। दिखा क्या भाई, ऐसी रेसिस नहीं कहता मैं। अबे नहीं भाई, चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। बाकी भाई सीट की बात करूं, क्या रेडियम लगेगा मुझे? ये बोला भाई, बोलता है अंधेरे में चमकता भाई, रेडियम है। अच्छा। बाकी भाई सीट हमारी यही है, ये दो और ये दो, तो मैं तो अपर वाली लूंगा, ये लोग मिडल लेंगे, जो लेगा ये अपर मेरा, तू मिडल, क्या सामान देखते रहना ठीक है। इधर ना भाग भाग के ये ट्रेन पकड़े, और ये ट्रेन रुकी हुई है तब से। चलो भाई भाई, बस अभी हेमकुंड है नहीं जम्मू मेल को अभी पकड़ा भाई, अपनी ट्रेन उतर आई और वो एकदम राइट टाइम थी, उसको जस्ट अभी पकड़ा, और यहाँ पे भाई ठंड इतनी है ना, बाकी अभी लेकिन उतनी नहीं है यार, इतना मतलब उतनी है पंजाब में और उससे ज्यादा नहीं है, बाकी तो कटरा में पता चलेगा रात में। ये इनमें से कोई कंबल नहीं लाया इसको छोड़ के, काले तेल वाले बड़े दिल वाले भाई क्या कह गई हो तेरे को है? पाँच रुपए पड़े थे, सोचे पाँच रुपए दे देता भाई, वो सुन लेगा। अबे एक बात बोलूं, अभी वो एक मांगने वाली आई थी, इसको बोलती है बाबू दे दो, फिर बोलती है काले तेल वाले बड़े दिल वाले। बोलती है काले तेल वाले बड़े दिल वाले। और सुबह का मॉर्निंग डन, अरे क्या बात है, पेपर तो एक एक लेने की जगह इतनी जोर से आई थी कि पूरा पैकेट लेके आएगी। बार्गेनिंग करने का टाइम नहीं था, कहता 60 में ही दूंगा। शॉपकीपर को भाई पूरा ले ले जल्दी ले। अभी आपको थोड़े नजारे दिखाता हूँ, बढ़िया बढ़िया। धूप, उधमपुर पहुंच गए, लेकिन उधमपुर नहीं भाई, उधमपुर का नाम चेंज हो चुका है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ उधमपुर का नाम चेंज हो चुका है, बता महाजन कैसा कुछ था, पूरा नहीं पढ़ा, बता किसके ऊपर पढ़ा, ये बता। एक आर्मी का सोल्जर था ये। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई। जो जीके वीके की तैयारी कर रहा है उसको तो पता ही होगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और सिग्नल हो चुका, चलो भाई मिलते। ओए स्पीड हो गई भाई, कहाँ गेट पे लगा, बोलेगा तू पंगा भाई। यार ये यार खूबसूरती यार, गजब भाई गजब।
देवी माता वैष्णो देवी रुक तेरे को पहला स्टॉप दिखाता हूँ वो देख वो ये देख कैमरे में देख जरा ये देख ये वही है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी नहीं है वो जहाँ पे माता रानी 9 महीने रही थी वो है गुफा वाला वो हमारा पहला स्टॉप रहेगा। अब हम उधर तो गए अब यहाँ से हमको लेनी पड़ेगी भाई यात्रा पर्ची। अगर आप भी उधर हो तो यहाँ से आपकी यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी और यात्रा पर्ची दोनों जगह से मिल जाएगी आपको। स्टेशन पे भी बाहर निकलते मिल जाएगी और बाकी वहाँ पे भी मिल जाएगी बस स्टैंड के पास कटरा बस स्टैंड के पास वहाँ पे मिल जाएगी। तो हम अभी वो लेते हैं और चलते हैं ऑटो से प्रवेश द्वार भीड़ नहीं है। ये देखो ये होता है यात्रा पर्ची अभी हमने ले ली है और हम ये पहुंच गए हैं प्रवेश द्वार। यहीं से भाई अंदर जाएंगे अभी पहले चेकिंग वगैरह होगा अंदर जाते हैं। पर आप अभी आ रहे हो तो उतनी भीड़ नहीं है सच्ची में बताऊं ना कि कोई भीड़ नहीं। भाई बाणगंगा पहुंच गए बढ़िया और बैठ गए थक गए ना मित्र ने कहा अभी बाकी हमने भाई एक यात्रा सिम ले ली है और मैं बताता हूँ सही है भाई अगर आप जैसे स्टेशन से उतरते हो ना तब मत लेना यात्रा सिम वहाँ पे लेगा आपको 350 इतने का 400 का था ना 400 1.5 GB हाँ 400 का था भाई यहाँ पे हमने 300 में लिया है अंदर आके। और बाकी तो फिर आप सिम ले लेना और एक आता है सिर्फ कश्मीर में चलेगा जम्मू और कश्मीर में दोनों और एक है कि बाहर भी चलेगा मतलब आपके स्टेट में बस आपको 10 रुपए का हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा जो कि मेरे ख्याल से सही है भाई वो ले लेना चाहिए लेकिन मेरा आधार कार्ड काम नहीं कर रहा था इसलिए हमने वो नहीं लिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसके इसका सिम एक ले लिया हमने रुक गया भाई इसका सिम हमने इसके मतलब इसके आधार कार्ड पे ले लिया इसी को चलाते हैं भाई 1.5 GB है अब उतना कोई नेटवर्क की जरूरत है नहीं एक दो स्टोरी अपलोड कर देंगे। और बाकी अभी नहाते हैं बाणगंगा में कपड़े वपड़े पूरे चेंज करते हैं और गर्मी लग रही थी भाई इतने में चढ़ने में मेरे को लगता है हाफ टी शर्ट ही पहनता हूँ अभी फिर देखी जाएगी ठंड लगेगी निकाल लेंगे। ये देखो भाई वहाँ पे बस मतलब पानी वानी है वहाँ पे नहा लेंगे और नीचे एक और जो मेन बाणगंगा जैसे लोग पहले नहाते थे ये सब तो अभी कुछ साल पहले वहाँ पे जैसे बना है तो वहाँ पे तो पानी बिल्कुल नहीं है मैं तो कहूँगा अभी यहाँ पे यहाँ नहा लो यहाँ पे थोड़ा पानी ठीक है। बस भाई 11:47 हो गए हम निकल चुके हैं बस भाई गमछा टांग लिया ऊपर क्योंकि सूख जाएगा ना। बाकी अभी चरण बाजू का पहला आएगा वो कहाँ आएगा कैसे डंडे का डंडा लिया वो डंडा को उठा के चल रहा है डंडा को उठा के चल रहा है क्या बोझ और बढ़ा लिया ऐसे कर चल रहा उसे उठा के रहो भाई क्या कर लो भाई आ गए चरण बाजू का माता रानी अपना चरण है यहाँ पे माता रानी का सही कहते हैं चरण पादुका का फिर आप लोग भी दर्शन कर लो इधर आ गया इधर आ बाकी जूते उतारता है अंदर फोन ले जाना तो मना है नहीं तो यहीं से आप देख लो बोल जगरा श्री साचे दरबार की जय डंडा लेके मारेगा उसको इसका होना शीशा बोर्ड देगा ना यही तेरे को फेंक देगा अबे सीधा अंदर फूट जाए शांति से हाँ हाँ चाय और रस को खाते हैं भाई लग गई है क्योंकि हमको भूख नमक कम है थोड़ा जी बिस्किट ला रहा डार्क फैंटेसी बोल के कैमरा उसकी तरफ क्यों घुमाया अरे वो तो ऐसी भाई बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी ब्लॉग और इसका डे 2 का के लिए आप सब्सक्राइब कर दो और चैनल पर नया हो तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं कल टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ बाय।